आधी घंटा तक उड़ा देंगे। इतना हंसी में नहीं बोलना, बस खाली गाइस गाइस। वो वीडियो सिर्फ गाइस फ्रेंड है, गाइस फ्रेंड रस उसमें जड़ा ग्रीन रस कुल हरा भरा रहा। वो सर हम गेहूं धान फेले चल हमन का उखिया उखिया है तो पिट हुआ ले ले। दोस्तों ये ऊख की खेती है, अभी फिलहाल में यहाँ पे ऊख लगा हुआ है और जस्ट उसके बगल में लहसुन की खेती हो रही है। फिलहाल में आज का मौसम बहुत ही इंजॉयफुल है। इस समय जहाँ पे मैं आया हूँ वहाँ पे दूर दूर तक मुझे खेत ही खेत दिखाई दे रहे हैं। ये है गांव की बकरियाँ, आइए हम लोग पास में चलते हैं और देखते हैं कितने नंबर हैं इन बकरियों की। पूरे 8 बकरियां हैं जो नीम के पेड़ के पास बांधी हुई हैं। फिलहाल में यहाँ पे भी धूप नहीं है इसीलिए सब इंजॉय कर रही हैं। ये सब जो है ना सरसों जो काटा हुआ है ना उसके अभी सब निकले हुए हैं। फिलहाल में बच बचा के चलना पड़ेगा, नहीं तो पाँव में धस जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। दोस्तों ये टीला अक्सर गाँव में देखने को मिल जाएगा, बहुत लोगों के पास होता है ये टीला। जिस टीले में किसान रखे अपने खेतों की रक्षा करता है ताकि कोई फसल को नुकसान ना पहुंचा दे। अभी तो इस टीले में चौकी नहीं लगी हुई है, नहीं तो हमेशा चौकी ही रहती थी जिसमें किसान भाई आराम करते हैं। और इस समय मैं किसके खेत में, इस समय मैं बोड़े के खेत में हूँ। यहाँ पे फिलहाल में बोड़ा बोया गया है और पास में ले जाता हूँ, आप लोग देख लीजिए जो ज़्यादा दूर में नहीं बोया हुआ है। फिलहाल में बहुत कम बोड़ा बोया गया है, मतलब एक फैमिली को पाल सके इतना बोड़ा बोया गया है। और ये गांव के चपरे हैं, फिलहाल में दोस्तों ये जो सरसों का पेड़ है खलिहान में से लाकर खेत में रख दिया गया है और इनका सरसों निकाल लिया गया है। और ये है अमरूद का पेड़ और इसके बगल में पोहरा का पहाड़ है। हालांकि ये पोहरा का पहाड़ बनाने के लिए एक पर एक पोहरा रख दिया जाता है, जब भी ज़रूरत होती है तो यहीं से पोहरा ले जाके गाय या भैंस का चारा बनाते हैं और इसका भी इस्तेमाल किया जाता है चारे में। ये जो बड़ा बड़ा देख रहे हैं ना उसी का इस्तेमाल किया जाता है। और ये पपीते का पेड़ है, उसके बगल में कटहल का पेड़ है और केले हैं यहाँ पे, फिर नींबू का भी पेड़ है। ये फूल का पेड़ है जिसको सब लोग अड़हल का फूल कहते हैं। जो ये लीफ आप लोग देख रहे हैं ना दोस्तों, इसको मतलब त्यौहार के समय बनाया जाता है। फिलहाल में उस त्यौहार का नाम मुझे नहीं मालूम है, पर इसी लीफ का उपयोग करते हैं पकौड़े बनाने में। और ये हैं कुछ नेनुआ के पेड़, ये नेनुआ के पेड़ ज़्यादा दूर तक नहीं है, थोड़े दूर तक हैं जिससे कि एक फैमिली का पेट भर जाए। फिलहाल में अभी ये नेनुआ का पेड़ से मतलब जो उसके होते हैं ना फल तोड़ लिए गए हैं,